A shoe was thrown at Samajwadi Party's MLA Swami Prasad Maurya on Monday by a man dressed as a lawyer during the party's backward classes Mahasammelan. Party workers caught the attacker and handed him to the police. The attacker was identified as Akash Saini. On Sunday, BJP leader Dara Singh Chauhan faced an ink attack in Mau, from where he is contesting a by-election. And now to talk a little more on this incident, we've got joining with us on Hornbill TV our UP bureau head Akash Dwivedi ji, and we'll be asking more about the incident and what the response from the leaders are about this incident. First of all, thank you so much, Akash Dwivedi ji, for joining us. So can you please give us a little more detail on this shoe throwing incident that occurred today with SP legislator Swami Prasad Maurya, and where is the perpetrator at the moment? Has he been handed over to the police? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवादों का दूसरा नाम है। चाहे 2022 के असेंबली चुनाव की बात कर ली जाए, जिस समय इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त भी इनके कई बयान सामने आए थे, जिसको लेकर समाज में गलत तरीके से सोसाइटी में मैसेज गया हुआ था। उसके बाद फिर ये एक रामायण के ऊपर भी इन्होंने विवाद दे दिया था, जिसके बाद अयोध्या के कई साधु संत महात्मा सभी इनके ऊपर खासे नाराज थे और इनकी काफी ज्यादा आलोचनाएं भी हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी का आज एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन अधिवेशन जो कि राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा था, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को पहुंचना था। स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुंचने के ठीक पहले ही आकाश सैनी नाम का ये आदमी है जो उनके ऊपर जूता फेंक कर मारने की कोशिश किया, जिसके बाद सपा के जो कार्यकर्ता थे, छात्र सभा के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने आकाश सैनी को पूरी तरीके से दबोच लिया और बहुत तरीके से उनके ऊपर हमलावर हुए और काफी ज्यादा चोट भी आकाश सैनी को आई हुई है। बहुत भारी तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अयोध्या से महंत राजदास जी ने भी बयान देते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर ये लगातार हमला बोलते आए हैं, इनके ऐसे बयानों के चलते ही इनके साथ इस तरीके के कृत्य हुए हैं, अभी इससे ज्यादा भी कृत्य होगा। वहीं अगर हम आज से एक दिन पहले जाकर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान निकलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद वो घोसी सीट जो कि आजमगढ़ की सीट है वहां पर इलेक्शन होना है, उसको लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी जाती है सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी का दामन थामे हुए थे। आज सपा इस अधिवेशन में जब ये पहुंच रहे थे वहां पर इस तरीके से घटना एक तरीके से पूरी तरीके से साफ करती हुई नजर आ रही है कि शायद जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी इन दोनों के बीच, अब वो खुलकर कार्यकर्ताओं के बीच आ गई है। एक दूसरे पर स्याही फेंकना और जूते चप्पल से हमला करना, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है आकाश द्विवेदी जी, बढ़ते अब तो उपचुनाव भी आने वाला है अगले महीना, तो उसमें घोसी सीट का जो पहले सपा का विधायक थे दारा सिंह चौहान, वो अभी बीजेपी की पार्टी की टिकट से लड़ाई करने वाला है। तो थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव जी गए थे सुधाकर सिंह, जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए गया था तब अखिलेश यादव मीडिया पर्सन्स के साथ बात करते हुए बोला था कि इस बार घोसी में पूरा सपा का ही पक्की बात होगी, तो वहां की माहौल कैसी चल रहा है अभी? देखिए, घोसी एक ऐसी सीट थी जो एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के कब्जे में ये सीट रही हुई थी। दारा सिंह चौहान जब भारतीय जनता पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी का दामन थामे तो वहां पर घोसी पर इनकी मजबूत पकड़ थी और यही एक वजह रही है कि घोसी में इनके ऊपर स्याही फेंकी गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से घोसी की ये सीट का अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। इसी तरीके की घटना भी देखने को मिली थी कन्नौज में और मैनपुरी में,
जब यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, तो सपा पूरी अपनी ताकत के साथ तो यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी होकर लड़ते हुए दावा तो कर रही है कि हम ये सीट को जीतने में फिर से कामयाब होंगे, लेकिन बीजेपी की जो इनर रूलिंग है, उनके जो अर्थशास्त्री कह लीजिए या उनके जो राजनीतिज्ञ हैं, वो पूरी तरीके से घोषी में इस समय बैठ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूती बनाते हुए पूरी तरह से नजर आ रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्याही दारा सिंह चौहान के ऊपर फेंकी थी उसने भी ये बात को कबूला, उसने अपने कबूल करते हुए पुलिस को स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि दारा सिंह चौहान के भारतीय जनता पार्टी में जाने की वजह से सपा यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जिससे मैं आहत होकर ये काम किया हूँ। तो एक तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सपा को वहां पर अपने हार का डर सताने लगा है कि दारा सिंह चौहान जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो सपा की ये घोषी सीट अब कमजोर हो सकती है। ठीक है द्विवेदी जी, अब दूसरी बात, आज तो यूपी की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और होम मिनिस्टर अमित शाह, वो हिंदू गौरव दिवस की एनिवर्सरी है और उसमें लेट चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि भी है, तो क्या इस ये जो इवेंट है क्या ये उपचुनाव में कोई इफेक्ट पड़ेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पूरे निर्देशन में यहाँ पर सारे चुनाव लड़े जाते हैं, यहाँ पर संगठन के जो मंत्री हैं और बीजेपी के जो भी इनकी कोर के पदाधिकारियों की टीम है, ये कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो या नगर निकाय का चुनाव हो, ये लोग सारे चुनाव को इतनी ताकत और मजबूती के साथ लड़ते हैं कि उस चुनाव को ये छोटा और बड़ा नहीं समझते हैं। यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पैर पूरे तरीके से पसार चुकी है और उसकी ग्रिप जो यूपी के वोटर्स के बीच में है वो बेहद मजबूती से है। जैसे कि 2022 के चुनाव में देखा जा रहा था कि कोविड का एक टाइम था जिसके बाद लोगों के रोजगार गए और ये कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं करेगी, और 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बने, उसके पीछे की सबसे बड़ी और अहम वजह यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भी राजनीति और चुनाव को लेकर इनकी शैली है, चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो पूरी तरीके से ऐसा है कि कोई छोटा सा छोटा या चुनाव हो या बड़ा सा बड़ा चुनाव हो, ये पूरी ताकत के साथ अपने पूरे रणनीति के साथ और हर एक जगह पर सर्वे कर वहाँ इनकी एक टीम है जो सर्वे करती है कि यहाँ क्षेत्र की दिक्कतें क्या है, शिकायतें क्या है, उनको दूर करते हुए और वोटर्स के बीच माउथ पब्लिसिटी करते हुए बीजेपी खासे तरीके से फेमस जानी जा रही है और घोसी सीट पर भी मजबूती बनाए हुए है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा की तैयारी भी पूरी तरीके से देखे जाने लगी, जहां पर एक तरफ लोकसभा की चुनाव को लेकर बाकी पार्टियां भी सकते में तो नजर आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इनर विंग है वो पूरी तरीके से हर लोकसभा में अपना काम करना शुरू कर चुका है, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनना तैयार हो चुका है और वोटर्स के बीच इनका प्रचार प्रसार अभी से ही शुरू हो चुका है। जी बात करेंगे एक मसला का जो अभी सोशल मीडिया में बहुत बज हो रहा है, और वो है कि जब तमिलनाडु की थलाइवर आया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मिलने, तब रजनीकांत गाड़ी से उतरकर योगी की पैर छुआ था, उसके ऊपर बहुत ट्रोलिंग शुरू होने लगा, तो वहाँ की विधायक लोग इस पैर छूने की जो विजन है उसको उसमें क्या चर्चा हो रही है? देखिए किसी भी चीज को लेकर आलोचनाएं आजकल सोशल मीडिया से बेहद अहम हो चुकी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पर एक तरीके से जवाब भी आया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जवाब दिया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने से पहले गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है, यानी कि महंत हैं, एक सनातनी हैं, एक संत हैं, तो रजनीकांत का भी ये कहना था कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री के पैर नहीं छुए थे, गोरक्ष पीठाधीश्वर जो कि एक महंत है, मैंने एक महंत का पैर छुआ था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। कई ऐसे महंत हैं उत्तर प्रदेश में जिनका पैर बहुत बड़े से बड़े लोग छूते हैं और गोरक्ष पीठ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित एक ऐसी पीठ है जिसको राजपूताना गद्दी भी कही जाती है और कहा जाता है कि इस पीठ पर बैठने वाला सत्ता चला सकता है, ऐसी राजनीति की शिक्षा भी इस पीठ के अंदर दी जाती है। तो रजनीकांत ने जब पैर छुआ था तो उसको लेकर कई पार्टियों ने भी आलोचनाएं की थी, समाजवादी पार्टी ने भी इस पर आलोचना कर दी थी, एक निजी अखबार में भी कुछ कटिंग्स आई थी, लेकिन इन सभी बातों को खंडन करते हुए बीजेपी के नेताओं की ओर से भी बयान जारी किया गया था और रजनीकांत की ओर से भी इनडायरेक्टली ये कहा गया कि वो एक मुख्यमंत्री के पैर नहीं छू रहे थे, वो एक सनातनी, एक सन्यासी के, एक महंत का पैर उन्होंने छुआ।
आकाश द्विवेदी जी हॉर्नबिल टीवी के साथ जुड़ने के लिए और हम लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. सो दैट वॉज अ यूपी ब्यूरो हेड आकाश द्विवेदी जी एंड ही जस्ट एक्सप्लेन टू अस दैट स्वामी प्रसाद मौर्य इज अ वेटरन पॉलिटिशियन इन उत्तर प्रदेश एंड दैट Swami Prasad Maurya is a type of a politician that always is on the headlines because of his various comments that he's made. But also what happened today was that he had gone to attend a backward Sammelan event where a shoe was thrown on him by a man dressed up as a lawyer. And according to our UP bureau head, he has said that the accused has been handed over to the police and now the investigation is on. And speaking on other matters, especially the Rajnikant story, where the internet created a buzz because Rajnikant touched the feet of Chief Minister Yogi Adityanath. Our UP bureau had just clarified, stating that the touching of the feet symbolism was because Yogi Adityanath was also a head temple of the Goraknath temple, and that is the reason why Rajnikant took the blessings of a head priest of a temple.